Dear participants, welcome to our workshop. Today's workshop is about coding for kids, and the trainer is Mr. Hussain Koitawala. He'll conduct this session accordingly. Sir, I made you the host. Please continue. Thank you. Okay, so let me just share my screen first. Okay, so welcome to our the seminar coding for kids. So basically over here we will start with how the course work and how do I teach the kids who are interested in coding. Basically this course is designed for kids to encourage them towards programming jo hai wo ek is time ka sabse bada एक रेवोल्यूशनरी एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है जो हर कोई इसके ऊपर बात कर रहा है. एंड ऑब्वियसली इट इज अर्निंग, इट इज अ न्यू मार्केट, और मतलब ओल्ड मार्केट है बट उसके अंदर बहुत सारी चीजें न्यू है जिसकी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना बूम आया हुआ है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री एंड सब चीजें हैं. तो आई थिंक सो कोडिंग फॉर किड्स इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज ऑफ आर ओमनी अकेडमी, क्योंकि किड्स को अंडरस्टैंड करते हुए उसको डिजाइन किया गया है कि हर किस्म के हर लेवल के अंडरस्टैंडिंग के बच्चे होते हैं जो बहुत सारी चीजें नहीं समझ पाते, और बहुत से बच्चे होते हैं जो बहुत सारे चीजें बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं. बट ये बहुत ज्यादा जो है वो एक बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन है कोर्स का. कोर्स को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन के अंदर डिजाइन किया हुआ है ताकि हमारे हर लेवल के या फिर हर एज ग्रुप के बच्चे जो है वो इसको कर सकते हैं. ये जो कोर्स है वो चार हिस्सों के अंदर डिवाइडेड है. द फर्स्ट यूनिट इज इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, इट्स बेसिकली अ थ्योरी. दिस यूनिट बिलोंग्स टू काइंड ऑफ अ थ्योरी पर्सपेक्टिव, कि बेसिकली मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रोग्रामिंग ऑफ फंडामेंटल्स क्या होते हैं, वर द फंडामेंटल प्रोग्रामिंग्स प्रोग्रामिंग के अंदर लाइक फंडामेंटल्स के हिसाब से जो प्रोग्रामिंग के सिंपल जो सिस्टम्स है या फिर प्रोग्राम कैसे काम करता है, उसके कोडिंग वगैरह कैसे काम करती है, वो सब चीजें एग्जाम्पल्स के तरीके से मैं उनको समझाता हूँ कि प्रोग्रामिंग कहाँ पर यूज होती है और हम लोग प्रोग्रामिंग यूज क्यों करते हैं. फिर व्हाट इज कोडिंग, कोडिंग जो है वो उसके लिहाज से जो हम लोग तीन सब्जेक्ट्स हम लोग तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं, HTML, CSS और Python. HTML जो है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, CSS जो है वो कैस्केड स्टाइल शीट है, और Python जो है वो एक किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो ये तीन लैंग्वेजेस जो है वो कोडिंग के लिहाज से वो क्या करते हैं, वो कहाँ से आई है, कौन सा वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं, वो सब चीजें इस टॉपिक के अंदर इंट्रोड्यूस होता है. प्रोग्रामिंग सिंटेक्स एग्जाम्पल जो है, प्रोग्रामिंग सिंटेक्स एग्जाम्पल्स जो है वो ऐसे कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी मैंने अभी नाम लिए है वो सारे के सारे उनके एग्जाम्पल्स जो है मैं उनको दिखाता हूँ, जो कि हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स ने काम किया हुआ होता है, उनके एग्जाम्पल्स में उनको डिस्प्ले करवाता हूँ ताकि उन लोगों को कॉन्फिडेंस आए, और उनके एज ग्रुप के लोग होते हैं तो एक अच्छा पर्सपेक्टिव आता है कि वो लोग भी एक बहुत खूबसूरत सी वेबसाइट HTML CSS वेबसाइट बन सकती है बाय द वे, और पाइथन से एक प्रोग्राम बन सकता है. लाइक प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि हम लोग जैसे कि कोई मैं टास्क कंप्यूटर से करवाना चाहता हूँ, सो दे कैन अचीव अ टास्क थ्रू कंप्यूटर यूजिंग पाइथन. तो वो जो है वो एग्जाम्पल सिंटेक्स के एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्प्ले करवाते हैं. और फिर जो है एग्जाम्पल ऑफ अ डिफरेंट लैंग्वेजेस, फिर सिंटेक्स एग्जाम्पल्स के बाद जो डिफरेंसेस होते हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर जो हुए हुए, क्योंकि हम लोग स्पेसिफिकली पाइथन यूज कर रहे हैं, सो मैं बेसिकली एक्सप्लेन करता हूँ कि हम लोग पाइथन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि पाइथन जो है इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लैंग्वेजेस इन दिस वर्ल्ड और राइट नाउ, और उनका जो एक कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बेसिकली पाइथन के अंदर हम लोग बना ना सकते हो, या फिर कोई भी ऐसा एल्गोरिथम नहीं है जो हम लोग पाइथन के अंदर हम लोग डेवलप ना कर सकें. तो बेसिकली उनके जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो डिफरेंसेस हैं वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि पता चले कि हम लोग ये पाइथन ही स्पेसिफिकली क्यों पढ़ा रहे हैं. HTML और CSS तो इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इज वन ओनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल टू डेवलप अ वेबसाइट. HTML के अलावा वेबसाइट किसी और तरीके से डेवलप नहीं हो सकती.
हमारे जो नए सॉफ्टवेयर है या फिर नई डेवलपमेंट्स भी है वो भी इन द एंड जो वेबसाइट्स बनाती है वो HTML के अंदर ही बनाती है। इन द एंड सब चीजें HTML के अंदर ही कंपाइल होती है, लेकिन पाइथन और ये जो लैंग्वेजेस है उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि सी है, जावा है, C++ है, C# है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है जो पाइथन के कॉम्पिटिशन के अंदर है। लेकिन ऑब्वियसली हर किसी के एप्लीकेशन अलग अलग होते हैं, जैसे कि C++ है और सॉरी C# है। C# जो है वो गेम डेवलपमेंट के अंदर यूज होती है। गेम डेवलपमेंट के अंदर C# बहुत ज्यादा फेमस है। फिर जावा जो है, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा फेमस है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स बना बना के उनका उनको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो अगर कोई हाई टेक कंपनीज हो जिसके अंदर बहुत सारा डेटा मौजूद हो या फिर बहुत सारे एक बड़ी एप्लीकेशन उनको बनानी हो, तो बहुत सारे लोग फिर उसे जावा के ऊपर भी बनाते हैं। एंड पाइथन के अंदर ये सब चीजें कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली ये किसी में जो एक चीज है जिसके अंदर तो वो सबसे ज्यादा फेमस है वो है मशीन लर्निंग। मतलब मशीन लर्निंग के जो उनकी लाइब्रेरीज है और जो अभी गूगल और सब चीजें उनमें डेवलपमेंट कर रही है, उस हिसाब से पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लैंग्वेजेस इन मशीन लर्निंग। वो पाइथन जो है वो सब चीजें गेम डेवलपमेंट, फिर एल्गोरिथम्स डेवलपमेंट, सब चीजें कर सकती है, बट जो है वो सबसे ज्यादा फेमस जो है वो मशीन लर्निंग के अंदर है। जो हमारा जो यूनिट 2 है वो HTML के ऊपर बेस्ड है। अब यहाँ से वो उससे पहले जो था जितना भी था वो सब चीजें थ्योरी थी, सो आई ऑलरेडी मतलब जो है वो सब चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं, थोड़ी बहुत एग्जाम्पल्स दिखा दी, सब चीजें कर दी, एंड देन वी मूव फॉरवर्ड विद द प्रोग्रामिंग। तो ये जो है ये यूनिट 2 हमारा मेन होता है जो HTML5 के ऊपर होता है। HTML5 मतलब HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वर्जन 5। हम लोग ये वर्जन 5 जो है वो हम लोग करते हैं। एंड द यूनिट टू इसके ऊपर होता है कि HTML के सारे हम लोग मंजर अली आई गेस उन्होंने कुछ बोला हुआ। या मंजर अली आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। अच्छा तो हम लोग जो है HTML का मैं ओवरव्यू देता हूँ कि बेसिकली HTML क्या होती है, कहाँ पर यूज होती है, क्या चीज़ें होती है। HTML जो है वो बेसिकली एक वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए वो यूज़ होती है। एक लैंग्वेज है जो वेबसाइट डेवलप करती है। एक लैंग्वेज है जो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर क्रोम या फिर ब्राउजर्स जो है वो उसको समझ सकता है। HTML वो है। फिर HTML के अंदर टैग्स होते हैं। HTML जो है वो एक किस्म की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। दो टाइप की लैंग्वेजेस है अभी जो हम लोग पढ़ाते हैं, वो है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और एक होती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और एक दूसरी ये HTML टाइप होती है जिसके अंदर हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है कि वो उसके उसको कोई किस्म से वो रीड नहीं कर रहा, वो उसको बस डिस्प्ले करवा रहा है। मतलब उसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं हो रही, उसके पीछे कोई वर्किंग नहीं हो रही, उसमें कुछ भी चीज है होता ना कि कंप्यूटर समझ नहीं रहा है, कुछ भी नहीं है, वो बस उसको सिंपली डिस्प्ले करवा रहा है। सही है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे स्क्रिप्टिंग होती है, स्क्रिप्टिंग के अंदर जो है वो क्या होता है कि मार्क्स होते हैं जो बेसिकली आपके कोई भी इवेंट को या फिर किसी भी तरीके से उसको डिस्प्ले करवा रहा होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, स्क्रिप्ट बनते हैं, वो यही होता है कि प्रॉपर लैंग्वेज उसको एक अलग तरीके से लिख दिया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सर हम अगर जावा प्रोग्रामिंग सीखे तो सही है। बेसिकली ये डिपेंड करता है वाकई में कि जो है ना वो आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है। कि जावा के ऊपर बहुत सारी प्रोग्रामिंग के बहुत सारे टूल्स बने हुए हैं, लेकिन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है मैं उसको रिकमेंड ज़्यादा करूँगा जो पाइथन है अभी के टाइम के लिहाज से। तो पाइथन के अंदर हर किस्म की प्रोग्रामिंग हो सकती है, हर किस्म की चीज़ है, तो उसके अंदर बेसिकली एक्सप्लोर करना और उसको आगे मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा आसान है। क्योंकि स्पेसिफिकली अगर मैं जावा के ऊपर कोई प्रोग्राम बनाऊँ तो फिर उसके अंदर मशीन लर्निंग ऐड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ अब मशीन लर्निंग की तरफ मूव कर रही है। सो बेसिकली मैं तो रिकमेंड पाइथन ही करूँगा, बट ऑब्वियसली जावा इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। हम लोगों ने भी स्टार्टिंग के अंदर पहले सी लैंग्वेज पढ़ी थी,
फिर जावा पढ़ी थी एंड देन वी मूव फॉरवर्ड विद द पाइथन। तो अगर जावा भी सीखी जाए तो वो भी एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेज है और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपोजर उससे भी मिलेगा। अच्छा हाँ, इसके अंदर फिर हम लोग टैग्स को एक्सप्लेन करते हैं कि टैग्स जो है वो क्या होते हैं और क्या क्या चीज़ें कर फिर मैं चाहता हूँ कि मोबाइल और डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो जावा बेस्ट है या पाइथन। बेसिकली वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन अलग ही चीज़ है। वेब एप्लीकेशन जैसे मैंने बताया कि वेबसाइट्स जो है वो HTML के ऊपर बनती है और मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो भी उसके अलग अलग टूल्स हैं लेकिन कोई भी जो है पाइथन पे भी नहीं बनती। और मोबाइल एप्लीकेशन तो स्पेसिफिकली बता रहा हूँ तो मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो पाइथन पे भी नहीं बनती और जावा पे भी नहीं बनती। वालेकुम सलाम जी बेटा, किधर पहुंचे हो? सॉरी कोई किसी का माइक ऑन है। ये जो है मोबाइल एप्लीकेशन और जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन और ये सब चीज़ें, डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप जावा या फिर पाइथन में बना सकते हैं लेकिन मोबाइल और वेबसाइट एप्लीकेशन जो है वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर बन सकती है। आप शायद या तो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट और जावा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं तो जावास्क्रिप्ट के ऊपर ये सब चीज़ें बन सकती है वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन। तो फिर आप उसके अंदर अगर जावास्क्रिप्ट आप करना चाहें तो जावास्क्रिप्ट आप कर सकते हैं। तो ये HTML टैग्स जो है HTML टैग्स जो होते हैं वो यही होते हैं कि HTML के अंदर आपको टैग्स के थ्रू जो है आपको उसको डिफाइन करना होता है। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल भी दूंगा इस उसके एंड के अंदर कि टैग्स क्या होते हैं और कैसे किया जाता है। तो जैसे कि पी टैग है तो पी टैग पैराग्राफ को डिनोट करता है। तो जो भी मैंने उसके बीच में सिंटैक्स लिखा होगा, मतलब सिंटैक्स यानी कि उसके उसके बीच में मैंने जो भी पैराग्राफ या फिर कुछ भी मैंने लिखा होगा उसको वो डिस्प्ले करवा देगा एज ए पैराग्राफ। सही है, एज सिंपल एज दैट। सही है, तो उसको टैग्स कहते हैं और स्क्रिप्टिंग भी उसी को कहते हैं कि उसको अलग तरीके से स्क्रिप्ट करके लिख देना उसे बस। तो बेसिकली मकसद जो है वो यही है कि उसमें कोई किस्म की लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग नहीं हो रही है, इसके अंदर कोई चीज़ रीडिंग नहीं हो रही, उसमें सिर्फ सिंपली बस डिस्प्ले किया जा रहा है। HTML का काम बस इतना है कि उसको डिस्प्ले करवा दे। फिर डॉक्यूमेंट टाइप, बेसिक लेआउट वगैरह क्या होते हैं वो सब चीज़ें एक्सप्लेन की जाती है उनको ताकि, और इतना ज़्यादा हाई लेवल नहीं होता कि बिल्कुल बेसिक लेवल्स के ऊपर बेसिक लेआउट वगैरह सब चीज़ें एक्सप्लेन करूँ क्योंकि कभी कभार बच्चे फिर वो इंटरेस्ट नहीं लेते। तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये सब चीज़ें जो है डॉक्यूमेंट टाइप और बेसिक लेआउट जो है वो थोड़ा सा एक ओवरव्यू हो जाता है लेकिन मेनली जो ये हेडिंग्स पैराग्राफ्स हैं उनका इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप होता है। जो ये हेडिंग्स पैराग्राफ हम लोग कैसे HTML के अंदर कोड कर सकते हैं, कैसे एक वेबसाइट के अंदर हेडिंग्स पैराग्राफ टाइपोग्राफी कैसे आ सकती है, वो सब चीज़ें टाइपोग्राफी के अंदर जैसे इटैलिक और एम्बियंट और जो अंडरलाइन वर्जन्स होते हैं जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट के अंदर भी करते हैं कि हम लोग उसको अंडरलाइन कर दिया, बोल्ड कर दिया, वो सब चीज़ें, तो वो टाइपोग्राफी है जो HTML के अंदर हम लोग टैग्स के थ्रू कर सकते हैं। फिर लिंकिंग करना, दूसरी वेबसाइट्स के साथ लिंक करना, इमेजेस डालना, एट्रीब्यूट्स का डालना, लिस्ट, टेबल्स, फॉर्मेटिंग, फॉर्म्स, ये सब चीज़ें बनानी एक HTML के अंदर हमारा प्रोग्राम के अंदर पूरा है, एक पूरा सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है जो हम लोग एक एक करके पढ़ाते हैं। अब जो है CSS है, कैस्केड स्टाइल शीट, इसके अंदर जो है बेसिकली हम जो वेबसाइट बनाते हैं वो बहुत ज्यादा सीधी सादी सी वेबसाइट होती है, उसके अंदर कोई चीज़ें चेंज नहीं होती। तो बेसिकली हम लोग ने कैस्केड जो लोग हैं मतलब जो साइंटिस्ट है उन्होंने कैस्केड स्टाइलिंग जो है ना डेवलप की जिसके अंदर आप लोग स्टाइलिंग ऐड कर सकते हो। स्टाइलिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हाई लेवल भी एडवांस लेवल्स भी होते हैं और बेसिक लेवल्स भी होते हैं। एडवांस लेवल्स के अंदर जो है वो आपका ये आता है क्या नाम है एनिमेशन आते हैं और भी बहुत बहुत सारी चीज़ें आती है बट आपके ऊपर होता है कि वो आप एनिमेशन और वो उस हिसाब से आप करें लेकिन हम लोग एडवांस लेवल्स के ऊपर नहीं जाते। हम लोग इसके अंदर बेसिक चीज़ें रखते हैं कि फॉन्ट का साइज कैसे चेंज हो सकता है, फॉन्ट का कलर कैसे चेंज हो सकता है, बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज हो सकता है, बॉर्डर्स कैसे लेकर आ सकते हैं हम लोग, सही है, बॉर्डर्स के कलर कैसे हो सकते हैं, वो सब चीज़ें। तो कैस्केड स्टाइलिंग वो थोड़ी सी उस साइड पर होती है, स्टाइलिंग के लिहाज से होती है। और जो लास्ट है वो पाइथन फॉर किड्स है। पाइथन जो है वो एक थोड़ी सी हाई लेवल थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी है कि उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाता है और हम लोग इसको बहुत ज़्यादा एक मिनिमाइज वर्जन के अंदर रखा हुआ है ताकि स्टूडेंट्स को एक्सपोजर भी आ जाए और बहुत ज़्यादा उनको डिफिकल्टी भी ना हो लर्न करने में। इसके अंदर जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ कि पाइथन के अंदर पाइथन क्या है, किस चीज़ों में कौन सी चीज़ों में यूज़ होता है, स्पेसिफिकली जो है उनकी कुछ एग्जांपल्स मैं उनको डिस्प्ले पहले भी करवा चुका हूँ लेकिन मैं वापस उनको एक रिमाइंड करवा देता हूँ क्योंकि तकरीबन ये जो है
जो भी अभी तक मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ वो 3 वीक्स तक का होता है, ये लास्ट वीक होता है, लास्ट वीक लास्ट क्लास 2 क्लासेस के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो है ये वाला जो हिस्सा है पाइथन फॉर किड्स का, इसके अंदर जो है योर फर्स्ट मतलब पाइथन के बारे में वापस रिविजन करवा देता हूँ कि क्या थी और हम लोगों ने क्यों पढ़ रहे हैं वो सब चीज़ें। और इसके अंदर जो है योर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, तो पाइथन का पहला प्रोग्राम बनाया जाता है जिसके अंदर वो लोग प्रिंट करते हैं हेलो वर्ल्ड का, सही है। एंड फिर वेरिएबल्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स जो है वो एक किस्म की बेसिकली मेमोरी होती है जो आपके कंप्यूटर के अंदर आपका जो सिस्टम है उसको सेव करवाता है। और फिर रिसीविंग इनपुट्स, जो हमारे जो इनपुट्स कंप्यूटर हमसे कोई एक सवाल पूछे हम लोग उसका जवाब दें और फिर वो कहीं पर सेव हो जाए, और फिर उसके लिहाज से हम लोग उसके उसके थ्रू हम लोग कोई एप्लीकेशन करें। लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे कंप्यूटर पूछ रहा है व्हाट्स योर नेम, और फिर उसके बाद मुझसे जैसे ही नाम पूछा उसने फिर डिस्प्ले करवा दिया गुड मॉर्निंग, जो जैसे कि मैंने इनपुट डाला हुसैन, गुड मॉर्निंग हुसैन लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये इनपुट्स रिसीव करना कहते हैं। फिर एक छोटा सा असाइनमेंट देता हूँ, इसके अंदर 2 मिनी प्रोजेक्ट्स होते हैं और 1 असाइनमेंट होते हैं। 2 मिनी प्रोजेक्ट्स जो है, पहला जो प्रोजेक्ट है वो HTML के ऊपर होता है, जो HTML का पेज बनाते हैं वो लोग, जिसके अंदर ये ऊपर जितनी भी जो भी मैंने चीज़ें लिखी हुई है वो सब चीज़ें को यूज़ करते हुए वो लोग अपना एक HTML का पेज बनाते हैं। और फिर जो सेकंड प्रोजेक्ट होता है, जो मिनी प्रोजेक्ट होता है, उसी पेज को वो लोग स्टाइल करके मुझे सबमिट करवाते हैं, सही है। उसे बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, थोड़ी सी वो सब चीज़ें चेंजेस कर दी, बॉर्डर्स लेकर आ गए, वैसे सब चीज़ें। और जो पाइथन फॉर किड्स होता है उसके अंदर एक छोटा सा असाइनमेंट मैं दे देता हूँ उन्हें, जो वो लोग कंप्लीट करके मुझे वो रिटर्न कर देता है। ये हमारा बेसिकली कोर्स का वो है पूरा हिस्सा। हम लोग जो है, अब मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि HTML के लिहाज से हम लोग कोडिंग कैसे करवाते हैं। तो बेसिकली ये जो है हमारा एक हम लोग टूल यूज करते हैं जो विजुअल स्टूडियो कोड है। विजुअल स्टूडियो कोड, जैसे मैं ये सर्च किया हुआ है विजुअल स्टूडियो कोड, अगर मैं गूगल के ऊपर सर्च करूं तो ये मेरे पास पहला जो है ना डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। डाउनलोड के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये जो है मेरे पास ये ऑप्शन खोल के दे जाता है, और यहाँ पर ये जो विंडोज करके है, सही है, इसके अंदर आप क्लिक करो तो आपके पास ये जो है फाइल डाउनलोड हो जाती है। ये अभी यहाँ पे मेरे पास पॉपअप में आएगा, या फिर आपके पास नीचे जो है वो परमिशन ले बगैर वो आपके पास डाउनलोड कर देगा। लेकिन ये विजुअल स्टूडियो कोड अगर आप डाउनलोड कर दे आप अपने पास, तो आप प्रोग्रामिंग जो है HTML के अंदर एटलीस्ट आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो कोड होता है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल जो सीक्वेंस होती है, जो एक ड्रिल होता है, जो मैं हर क्लास से पहले मैं उनको करवा कहता हूँ कि भाई ये पहले एटलीस्ट कर लेना, क्योंकि हर क्लास के अंदर एक HTML का प्लेस हम पेज हम लोग डेवलप करवाते हैं। तो बेसिकली एक जो ड्रिल होती है वो ये होती है कि आपने एक फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर आपने लिख दिया HTML, सही है, HTML मैंने बना दिया, एक फोल्डर है उसका मैंने सिंपल एक नाम डाल दिया, आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं। फिर उसको मैंने राइट क्लिक किया तो यहाँ मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन जरूर आ रहा होगा ओपन विथ कोड। जब विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड हो जाएगा फिर उसके बाद ये ऑप्शंस आएंगे। तो आपने जब जैसे ये खोला तो आपके पास ये जो फोल्डर है वो आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर खुल गया। तो ये यहाँ पर ये जो प्लस की साइन है यहाँ पर उसके ऊपर ये मैं जैसे माउस लेकर भी आता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास न्यू फाइल होवर पे आ जाती है। तो ये जो न्यू फाइल में मैंने क्लिक किया तो एक फाइल क्रिएट हो रही है जिसका वो नाम पूछ रहा है, तो मैं इसका नाम डालूंगा index.html, सही है। तो ये .html और इंडेक्स, ये दोनों नाम जो है ये बहुत लाजमी होते हैं कि ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए, मतलब इंडेक्स और .html ये नाम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सही है, कि इंडेक्स भी यही होना चाहिए और .html उसका एक्सटेंशन है। अब यहाँ पर आया तो अब हम लोग VS Code यूज़ कर रहे हैं तो उसके बहुत सारे स्निपेट्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है होता है ना कि बेहतर रह जाते हैं। तो वो जो कोड का स्निपेट है वो है शिफ्ट और 1, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क में जैसे अगर डालूं तो ये मेरे पास एमिट एब्रीविएशन आ जाता है। इससे क्या होता है कि ये आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपको बना देता है। अब जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि जैसे ये डॉक्यूमेंट बन जाता है तो मैं एक एक लाइन एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट को कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें क्या हो रही है। लेकिन उससे पहले मैं पहले डिस्प्ले करवा देता हूँ कि ये क्या हुआ, ये HTML का पेज बन गया, ये एक वेबसाइट बन गई है, उसके अंदर कॉन्टेंट हमें डालना पड़ेगा। ये बेसिकली क्या होता है, एक हेडर होता है जिसके अंदर डॉक्यूमेंट की, यानी कि ये जो वेबसाइट है हमारी उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है।
सही है, हेडर के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, डॉक्यूमेंट जैसे ये टाइटल है, टाइटल को मैंने डाल दिया वर्कशॉप, सही है। तो ये मैंने कंट्रोलाइज किया तो ये टाइटल चेंज हो गया उसका, यानी कि उस मैंने एक एचटीएमएल को बताया कि आप जो वेबसाइट है, सही है, वो एक किस्म की उसका जो टाइटल है वो वर्कशॉप है, सही है। फिर बॉडी के टैग के अंदर जो है, मैं आपको पहले खोल के दिखा देता हूँ कि ये वेबसाइट कैसे खुलेगी। तो जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पे बनाई थी, तो ये डेस्कटॉप के ऊपर गए मैम, और डेस्कटॉप के ऊपर जो है मैंने एचटीएमएल के नाम से बनाई थी फोल्डर, ये रहा एचटीएमएल का, सही है। तो आप बस इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, आपकी बस ये वेबसाइट खुल जाएगी। अब ये देखिए वेबसाइट के ऊपर कुछ भी अंदर आ नहीं रहा, क्योंकि मैंने बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, ये देखिए ये एम्प्टी है। तो बॉडी के अंदर जो भी चीज लिखूंगा तो वो इस एम्प्टी स्क्रीन पे आ जाएगा, और हेडर में जो भी लिखूंगा वो उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। तो जैसे मैंने वर्कशॉप्स यहाँ पे एडिट किया था, तो ये यहाँ पर वर्कशॉप लिखा हुआ आ गया, सही है। तो टाइटल जो है वो उसका ये टाइटल होता है, और बॉडी के अंदर वो बीच में जो भी चीज आएगी वो होगी। अच्छा, जैसे कि मैं आप बता रहा हूँ कि बॉडी के अंदर जो है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि टैग्स क्या होते हैं। टैग्स जो यही है कि मैं उसके बीच में कुछ भी लिख दूं, वो उसको उस हिसाब से डिस्प्ले करवा देगा, सही है। तो बेसिकली जैसे कि मुझे एक हेडिंग डिस्प्ले करवानी है, तो हेडिंग के 5 टाइप्स हैं। H1 टैग जो है वो क्या कर देगा, वो उसको हेडिंग 1 के तरीके से उसको डिस्प्ले करवा देगा, सही है। मैं इसको मैं डिस्प्ले करवाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि H1 टैग का कैसे रिजल्ट आता है। ये देखिए H1 का टैग क्या हुआ, मतलब एक बहुत बड़ी एक फॉन्ट साइज इसका बड़ा है, सही है, और फिर ये बोल्ड भी है, सही है। तो ये H1 टैग है, फिर H2 टैग हो गया, H2, H3, H4 ऐसे सब टैग्स है, ये हेडिंग, हेडिंग 3 हो गया, हेडिंग 4 हो गया, और हेडिंग 5 हो गया। तो ये 5 हेडिंग्स की टाइप है जो मैं बेसिकली डिस्प्ले करवा रहा हूँ आप लोगों से, ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि ये देखिए ये हेडिंग की 5 टाइप्स है। अब बेसिकली सपोज करें कि एक बहुत बड़ी मेन हेडिंग है, फिर ये जो है ये आपकी सब हेडिंग हो गई, ये फिर ये सब हेडिंग हो गई, सही है। ऐसे हम लोग हेडिंग्स को वो करवा सकते हैं। तो ये जो है ना, ये इस तरीके से स्क्रिप्टिंग करती है कि H1 जो है वो टैग से बताता है कि इसके बीच में जो वैल्यूज लिखी हुई है, जो चीज लिखी हुई है, उसको किस तरीके से डिस्प्ले करवाना है। वो इसको कोई प्रोसेस नहीं कर रहा, वो उसको कुछ भी करवा नहीं रहा, सही है। तो ये हेडिंग के 5 टैग्स है, जो H1, H4, H3 ये सब जो चीज टैग्स है। और फिर एक और मैं टैग एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो है P टैग। P टैग जो है वो है पैराग्राफ, सही है। P टैग होता है वो पैराग्राफ होता है, उसके अंदर मैं कोई भी किस्म का एक पैराग्राफ लिख दूँ, सही है। ये मैंने बस एक ऐसे ही मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा सा उसका व्यू में भी चेंज कर देता हूँ। ये सिंपल पैराग्राफ है, सही है ना। ये आप कोई भी किसी भी जगह से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये मैंने एक डमी टेक्स्ट उठाया हुआ है, सही है, जो मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ। ये पी टैग जो है, देखिए ये पी टैग इस तरीके से डिस्प्ले करवाता है पैराग्राफ की तरह, और ये H1 जो हेडिंग जो है वो इस तरीके से डिस्प्ले होती है, सही है। और भी बहुत सारे टैग्स है, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोग इसके अंदर एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि वो पूरी लिस्ट थी, तो उसमें से ये मैंने आपको 2 चीजें करवाई है। और अगर हमें एक मिनट दिखा दूँ, ये जो है जैसे मैंने ये हेडिंग बताई और फिर पैराग्राफ बताया। अब इसके अंदर और भी बहुत सारे फॉर्म्स कैसे बनते हैं, लिस्ट कैसे बनते हैं, टेबल्स कैसे बनते हैं, वो सब चीज़ें, एट्रीब्यूट्स कैसे होते हैं, सही है, इमेजेस, लिंक्स कैसे हो सकती है, हम लोग दूसरी वेबसाइट के साथ लिंक कैसे कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग एक्सप्लेन करते हैं पूरी क्लास के अंदर। तो ये छोटा सा एक वर्कशॉप था जिसके अंदर मैंने HTML के लिहाज से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, और आपको अपना कोर्स एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ में अच्छा लगा हो, और इंशाल्लाह फिर हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। आपके पास ये कॉन्टैक्ट का ये इन्फॉर्मेशन है, आप ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दैट्स इट, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ नाइस
workshop and presenting everything very clearly. So here I am about to close this session. If someone has any query, to wo pooch le sir se, agar hai koi sawal hai to kar le. Yahan pe jo hai hum isko close kar lete hain. I think no any question, ma'am. Okay. ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, इसको क्लोज करते हैं सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग आवर वर्कशॉप. इफ यू हैव एनी क्यूरीज प्लीज कॉन्टेक्ट अस ऑन दीज नंबर्स और यू कैन विजिट आवर वेबसाइट. एंड फॉर वर्कशॉप सर्टिफिकेट्स यू कैन मैसेज अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर्स. द नंबर्स आर प्रोवाइडेड ऑन दिस स्लाइड सो यू कैन मैसेज अस फॉर द सर्टिफिकेशन. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच. थैंक यू.